फ्रेंड्स, सो वेलकम टू दिस लेसन। सो इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर RBWM रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का। दोस्तों आज हम लोग यूनिट 5 डिस्कस करेंगे। यूनिट 5 का थ्योरी पोर्शन डिस्कस करने वाले हैं जो कि बेस्ड है कस्टमर रिक्वायरमेंट्स पे। तो ये हमारा मॉड्यूल बी का पहला यूनिट है। मॉड्यूल ए हम लोगों ने कवर कर लिया। मॉड्यूल बी में दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं रिटेल प्रोडक्ट्स एंड रिकवरी, यानी रिटेल बैंकिंग के कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं और फिर उन्हें रिकवरी कैसे की जाती है, उसके मैकेनिज्म क्या है, दैट इज ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो फ्रेंड्स, लेट अस सी व्हाट आर द टॉपिक दैट यू आर गोइंग टू स्टडी। तो देखिए दोस्तों, इस पार्टिकुलर यूनिट नंबर फाइव में हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन को समझेंगे, उसके बाद दोस्तों मास्लो थ्योरी को समझेंगे, मास्लो थ्योरी क्या कहता है, और फिर हम लोग कस्टमर रिक्वायरमेंट को समझेंगे। फिर दोस्तों कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है सर्विस क्वालिटी के बारे में, ये समझेंगे। और दोस्तों सर्विस क्वालिटी एक्चुअली होती क्या है, ये समझेंगे। और फाइनली हम लोग रिटेल प्रोडक्ट की ओवरव्यू लेंगे। तो ये सभी हमारे टॉपिक्स को कवर करने हैं इस पार्टिकुलर यूनिट में। टू आवर टारगेट JIB 2023 पेड प्रोग्राम। बेसिकली दिस इज अ पेड प्रोग्राम विच इज लॉन्च एज पर आवर JIB 2023 न्यू सिलेबस। वी आर कवरिंग फोर सब्जेक्ट, दैट इज RBWM, IFS, PPB एंड अकाउंटिंग। सो वॉट यू विल गेट यूनिट वाइज थ्योरी वीडियोज एंड PDF, यू विल गेट यूनिट वाइज MCQs, वीडियोज एंड PDF। इफ यू वॉन्ट, दे आर टू प्लान्स अवेलेबल विथ अस। The first plan is for videos and videos plus PDF, which costs ₹500 per subject, and the second plan is for PDF, which costs ₹200 per subject. And if you want to opt for all these four subject plan one, then it will cost you ₹1800. And if you opt for all the PDF of all these four subject, then it will cost you ₹700. If you are interested to enroll in the other of this program, kindly WhatsApp me on this number. Now let's continue our today's session. So friends, our today's session, the first topic that we have to discuss is retail products overview. रिटेल प्रोडक्ट ओवरव्यू में दोस्तों हमें पता है कि रिटेल प्रोडक्ट्स का जो टारगेट कस्टमर होते हैं वो इंडिविजुअल्स होते हैं या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं। अब वो जो इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, वो हो सकते हैं कि आपके सेल्फ एम्प्लॉयड हो या एम्प्लॉयड हो, इनके पास रेगुलर इनकम हो। तो दोस्तों रिटेल एसेट के केस में रिपेमेंट को एक्सपेक्ट किया जाता है कैश फ्लो के रूप में, ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ सैलरी और फ्रॉम बिजनेस अदर एक्टिविटीज। ऑब्वियसली बात है कि जो हमारे टारगेट कस्टमर है वो तो या तो इंडिविजुअल हैं या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, या तो उनको सैलरी मिल रहा होगा या छोटा मोटा कोई बिजनेस कर रहे होंगे, तो उनका जो रिपेमेंट कहाँ से आएगा? तो उनको जो सैलरी के रूप में कैश फ्लो एक्सपेक्ट किया जा रहा है उसी से रिपेमेंट आएगा, राइट? तो बैंक जो फाइनेंस करती है हाउस घर खरीदने के लिए या व्हीकल खरीदने के लिए, ठीक है, तो ये सभी चीज़ बैंक फाइनेंस करती है इंडिविजुअल्स को। और ये सभी एसेट्स दोस्तों कोई इनकम जनरेट नहीं करते कस्टमर के लिए, वो अपने अपने यूज़ के लिए खरीदते हैं, राइट? व्हीकल खरीदते हैं अपने यूज़ के लिए, हाउस खरीदते हैं रहने के लिए, कोई ऐसा नहीं है कि इनको इनकम जनरेट होता है इस पर्टिकुलर एसेट से। तो ये जो टाइप ऑफ बैंकिंग है जहाँ पे बैंक डील कर रही है इंडिविजुअल कस्टमर से, इसे ही कहते हैं हम लोग रिटेल बैंकिंग। तो दोस्तों रिटेल बैंकिंग का आपको डेफिनेशन पता है, व्हाट इज रिटेल बैंकिंग? रिटेल बैंकिंग इज अ टाइप ऑफ बैंकिंग इन विच बैंक डील्स विद इंडिविजुअल कस्टमर। तो रिटेल बैंकिंग के जो प्रोडक्ट्स हैं, आप देखिए इस पहला मॉड्यूल बी का पहला यूनिट है, तो इसमें हम लोग प्रोडक्ट्स के बारे में ही बात करेंगे। तो रिटेल बैंकिंग के प्रोडक्ट को आप क्लासिफाई कर सकते हैं रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट, रिटेल एसेट प्रोडक्ट एंड अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो रिटेल लायबिलिटी, रिटेल एसेट, अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो दोस्तों यदि हम बात करें लायबिलिटी प्रोडक्ट्स की, तो लायबिलिटी प्रोडक्ट्स के अंदर क्या क्या आता है? हमारा सेविंग, करंट एंड टर्म डिपॉजिट अकाउंट आता है। जैसा कि आपको पता ही है ये सभी हमारे लिए क्या है? लायबिलिटीज हैं। तो लायबिलिटी प्रोडक्ट में क्या क्या आता है दोस्तों? लायबिलिटी प्रोडक्ट्स में आता है हमारा सेविंग, करंट एंड टर्म डिपॉजिट अकाउंट। यदि रिटेल क्रेडिट प्रोडक्ट की बात करें, तो जो हमारी लोन्स होती हैं जैसे पर्सनल लोन, ऑटो लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड रिसेवेबल, ये सभी हमारे रिटेल क्रेडिट प्रोडक्ट्स में आते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में। अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में क्या क्या आ जाएगा दोस्तों? क्रेडिट कार्ड, CC क्रेडिट कार्ड आ जाएगा, डेबिट कार्ड आ जाएगा, ATM कार्ड आ जाएगा, ठीक है, टेलीफोन बैंकिंग आ जाएगा, उसके बाद दोस्तों इंटरनेट बैंकिंग आ जाएगा, उसके बाद दोस्तों मोबाइल बैंकिंग आएगा, और फिर डिपॉजिटरी सर्विस आएगा, फिर थर्ड पार्टी प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। ये सब हमारे अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में आते हैं। अब दोस्तों यदि हम टारगेट कस्टमर की बात करें, तो टारगेट कस्टमर जो होते हैं हमारे इन सभी प्रोडक्ट के, वो तो इंडिविजुअल्स होते हैं या जॉइंट बोरोवर होंगे या प्रोप्राइटरी पार्टनरशिप फर्म के एम्प्लॉय होंगे या कंपनीज होगी या NRI होंगे, HUF होंगे, ट्रस्ट होंगे, एसोसिएशन होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि टारगेट कस्टमर कौन है हमारे रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स के, राइट? तो रिटेल बैंकिंग, रिटेल प्रोडक्ट्स का दोस्तों एक आपको पॉइंट बताता हूँ कि ये वॉल्यूम ड्रिवन होता है।
और दोस्तों ये इसका स्कोर कार्ड फीचर होता है कि कौन क्वालिफाई करेगा, और ये प्री डिटरमाइंड नहीं होता है दोस्तों। स्कोर कार्ड बेस्ड असेसमेंट होता है इसके बेसिस पे। और रिटेल बैंकिंग का जो अप्रोच है वो कॉरपोरेट बैंकिंग के अप्रोच से डिफरेंट है। कॉरपोरेट कॉरपोरेट को जो लोन दिया जाता है उससे रिटेल बैंकिंग का अप्रोच डिफरेंट है, ठीक है। पर्सनल लोन के केस में कुछ प्री रिक्विजिट क्राइटेरियाज हैं जिसको प्रिस्क्राइब किया जाता है, और बोरोवर को उसमें फिट होना पड़ता है, या तो वो फिट हो या उसको लोन मिलेगा ही नहीं। तो आपको मैंने एग्जांपल से समझाया कि इसके जो अप्रोच है रिटेल बैंकिंग के जो अप्रोच है वो कॉर्पोरेट बैंकिंग के अप्रोच से साफ डिफरेंट है। जो भी बैंक की रिक्वायरमेंट है पर्सनल लोन के लिए उसमें उस बोरोवर को फिट होना पड़ेगा। अब जरा हम बात करते हैं कि अप्रूवल प्रोसेस फॉर रिटेल लोन, यानी रिटेल लोन कोई लेना चाहता है तो उसके लिए अप्रूवल प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों रिटेल पहला स्टेप ये है कि जो एप्लीकेंट है, ठीक है, वो जो है बैंक अप्रोच करे या सेलिंग टीम को अप्रोच करे, या एक दूसरा अप्रोच क्या है कि जो जो बैंक के आदमी है वो क्लाइंट को अप्रोच करे। तो दोस्तों कुछ एग्जिस्टिंग कस्टमर को अप्रोच किया जा सकता है बैंक के स्टाफ के द्वारा या उसके एजेंट के द्वारा क्रॉस सेलिंग के लिए, राइट, किया ही जाता है। तो जो भी मेथड हो, चाहे कस्टमर बैंक के पास आए या बैंक के एजेंट कस्टमर के पास जाए, ठीक, वाट एवर बी द मेथड, पहला स्टेप है कि आप एप्लीकेशन को कलेक्ट करेंगे। व्हाट यू विल डू, यू विल कलेक्ट द एप्लीकेशन, और आप उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे जो कि जरूरी है कस्टमर को इवेल्युएट करने के लिए। तो दोस्तों पहला स्टेप है यू विल कलेक्ट द एप्लीकेशन एंड द इंफॉर्मेशन दैट इज नेसेसरी टू इवेल्युएट द कस्टमर, कि क्या वो पार्टिकुलर आदमी उस प्रोडक्ट के लिए एलिजिबल है या नहीं है। ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आप एप्लीकेशन कलेक्ट करेंगे उसके बारे में आप पढ़ेंगे, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। प्राइमरी स्टेप ये है दोस्तों कि हम केवाईसी डॉक्यूमेंट को, जो हमारे लोन एप्लीकेंट है उनके केवाईसी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करें, दिस इज द प्राइमरी स्टेप। तो बैंक इसके लिए क्या करती है कि जो हमारा एएमएल केवाईसी का प्रोसीड्यूर है आरबीआई का नॉर्म जो कहता है उसके गाइडलाइंस को रेफर करती है, और जब वो वेरीफाई कर देगी, ठीक है, तो लेंडर जो है नेक्स्ट स्टेप में जाता है, वो अपने लोन को फर्दर प्रोसेस करवाता है, ठीक है। लेंडर यहाँ बैंक है दोस्तों। अब दोस्तों बहुत सारी बैंक क्या करती है, बहुत सारी बैंक एक स्कोरिंग मॉडल को यूज करती है। स्कोरिंग मॉडल किस रूप में होता है दोस्तों, स्कोरिंग मॉडल होता है स्टैंडर्डाइज्ड टेम्पलेट के फॉर्म में जो कि बॉरोवर के लिए प्रिपेयर किया जाता है। तो याद रखिएगा आफ्टर वेरिफिकेशन द नेक्स्ट स्टेप इज स्कोरिंग मॉडल, प्रिपेयरिंग ए स्कोरिंग मॉडल इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेम्पलेट। और ये किसके लिए प्रिपेयर किया जाता है दोस्तों, बॉरोवर के लिए प्रिपेयर किया जाता है। और दोस्तों आइटम्स को चेक ऑफ किया जाता है इसके अंदर, इस टेम्पलेट में बहुत सारे आइटम्स लिखे रहते हैं उसको चेक ऑफ किया जाता है। और दोस्तों चेक ऑफ क्यों किया जाता है, तो चेक ऑफ करने का मतलब ये है कि ये देखा जाता है कि जो बॉरोवर है वो क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। खासकर एग्जाम्पल कैसे, मान लीजिए पर्सनल लोन है, तो पर्सनल लोन में कुछ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो प्रिस्क्राइब किया गया है, और बॉरोवर को उसे फिट होना पड़ता है यदि वो लोन के लिए एलिजिबल होगा तो। फिर दोस्तों ईज ऑफ डिलीवरी के लिए, ईज ऑफ सैंक्शन के लिए कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं जो कि एडवांटेज ले लेते हैं, तो बैंक को बहुत केयरफुल होना पड़ता है ड्यू डिलीजेंस के रिगार्डिंग। केवाईसी कोई थर्ड पार्टी नहीं करे, और ये रिलैक्स नहीं हो, ऐसा नहीं कि आपने किसी के लिए केवाईसी के लिए छूट दे दी, ऐसा भी नहीं। जब भी डिस्प्यूट होगा और जब भी आपको कोई सस्पिशियस लग रहा है डिटेल के बारे में, तो बैंक वहां पे एक्स्ट्रा केयर ले ताकि डिटेल को वेरीफाई करे, राइट। सो बैंक हैज टू ड्यू डिलीजेंस, राइट, केयरफुल, हैज टू बी केयरफुल इन ड्यू डिलीजेंस। अब दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। तो नॉर्मली बैंक क्या करती है, कस्टमर को एडवाइस करती है कि उसका उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है या इन एलिजिबल फॉर नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि बैंक कौन सा मॉडल यूज करती है, स्कोर कार्ड यूज करती है। तो ये एक्सेप्शन भी हो सकता है स्कोर कार्ड में, जब कोई कस्टमर को कंसिडर कर दिया गया लोन के लिए क्योंकि अदर रीजन, किसी और रीजन के कारण, या उस पर्सन ने, जो पर्सन ने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया वो सही से काम नहीं किया। ऐसा भी तो हो सकता है कि जिसको आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए भेजा उसने काम सही से नहीं किया, तो आपने क्या किया उसको जो है लोन दे दिया, उसको आप ये कंसिडर कर लिया लोन के लिए। तो ये जो एक्सेप्शंस है इसको आपको केयरफुली हैंडल करना है, ठीक है, इसी कारण कोई कस्टमर को हैरास नहीं हो और उसके पास कोई रीजन नहीं हो कंप्लेंट करने का,
तो आपको ये इस बात को इंश्योर करना है कि जो आदमी डाटा कलेक्ट करने गया है, लोन से डाटा रिलेटेड कलेक्ट कर रहा है, वो ही शुड बी प्रूडेंट इनफ टू टेक गुड डिसीजन। अब जरा हम लोग बात करते हैं दोस्तों ड्यू डिलीजेंस की, क्योंकि यहाँ पे ड्यू डिलीजेंस वर्ड आया है, तो उसको जरा समझते हैं कि ये क्या है ड्यू डिलीजेंस। तो आपने डाटा कलेक्ट किया, आपने मैंने आपको बेसिक अप्रूवल प्रोसेस समझाया है, ठीक है, स्कोर कार्ड मॉडल यूज करता है दोस्तों बैंक्स, उसके बाद केवाईसी जो है केवाईसी में ड्यू डिलीजेंस को फॉलो करता है। अब ड्यू डिलीजेंस होता क्या है दोस्तों? इस तो ड्यू डिलीजेंस में क्या होता है दोस्तों कि एप्लीकेशन का जो डिटेल है उसे थॉरली वेरीफाई किया जाता है, ठीक है। आपको मैं एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए हाउसिंग लोन का केस है, तो हाउसिंग लोन का केस है, मान लीजिए कि आपने हाउसिंग लोन दिया कंस्ट्रक्शन के लिए, तो बैंक वहाँ पे इस बात ये जानेगी कि जो प्रॉपर्टी के जो डेवलपर हैं उनका क्या मार्केट स्टैंडिंग है और क्या वो डिलीवरी में प्रॉम्प्ट है, ये सभी बातों के बारे में बैंक पहले जानकारी लेगी। उसके बाद बैंक ये भी वेरीफाई करेगी कि जो प्रोजेक्ट है वो क्या रेरा के अंदर रजिस्टर्ड है। मान लीजिए किसी ने कंस्ट्रक्शन के लिए हाउसिंग लोन लिया, तो वो जो प्रॉपर्टी डेवलपर है उसका मार्केट स्टैंडिंग क्या है और वो क्या वो अपने प्रोडक्ट को तुरंत डिलीवर करता है और क्या उसका जो प्रोजेक्ट है वो रेरा के अंदर रजिस्टर्ड है। रेरा क्या होता है? रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016। क्योंकि कुछ स्टेट्स के द्वारा ये इसकी रिक्वायरमेंट होती है या लोकल स्टेट वाइज रेगुलेशन होता है, डिफरेंट स्टेट टू स्टेट वेरी करता है ये, तो उसके अकॉर्डिंगली ये बैंकों को चेक करना है हाउसिंग लोन के केस में। और दोस्तों बैंक कभी कभी क्या करती है कि कुछ प्रॉपर्टीज को प्री अप्रूव करती है, ठीक है, जो कि प्रायोरिटी के बेसिस पे प्रोसेस किया जाता है इन केस ऑफ एलिजिबल एप्लीकेंट। जो एप्लीकेंट एलिजिबल होते हैं कि हाँ जिनका सब डॉक्यूमेंट सही रहता है, जिनका डिटेल सही रहता है, तो वहाँ पे प्री अप्रूवल करती है। अब दोस्तों यदि हम बात करें व्हीकल लोन की, तो व्हीकल लोन के केस में दोस्तों क्या होता है कि जो इनवॉइस होता है वो कलेक्ट किया जाता है ऑथराइज डीलर से, ठीक है। तो ये पॉइंट है, ये ड्यू डिलीजेंस के लिए पॉइंट है कि आपको जो ऑथराइज डीलर है उसी से इनवॉइस कलेक्ट करना है। और यदि मान लीजिए एजुकेशन लोन है तो जो एडमिशन और फी डिटेल है उसे वेरीफाई किया जाता है, ओके। तो दीज आर द ड्यू डिलीजेंसेस व्हिच हैज टू फॉलो इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन। तो बहुत सारे एप्लीकेंट है रिटेल लोन्स के लिए और बैंक को एग्रेसिवली मार्केट करना पड़ता है रिटेल लोन को, इसीलिए ड्यू डिलीजेंस करना बहुत जरूरी है। और वेरिफिकेशन प्रोसेस के अंतिम में बैंक अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाए कि जो पार्टिकुलर फर्निश किया गया है वो ऑथेंटिक है और जो एप्लीकेंट है वो लोन के लिए क्वालिफाई कर रहा है। अब क्या क्या चीज़ को वेरीफाई करना है मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। पहले आपको केवाईसी वेरीफाई करना है, केवाईसी वेरीफाई करना है रिलेवेंट डॉक्यूमेंट के साथ, और प्रॉपर क्रॉस वेरीफिकेशन करना है, जो भी वेरियस डॉक्यूमेंट में जानकारी दी गई है उसमें क्रॉस इन्फॉर्मेशन भी करना है, आपको क्रॉस वेरीफिकेशन भी करना है, और कभी कभी आपको पर्सनल विजिट भी करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों इंस्पेक्शन रिपोर्ट, आपको पर्सनल विजिट करना है, इंस्पेक्शन रिपोर्ट देखना है, ये सभी चीज़ वेरीफाई करनी पड़ेंगी। उसके बाद आपको पैन नंबर वेरीफाई करना है, कहाँ से? आईटी के वेबसाइट से, राइट। उसके बाद दोस्तों आपको वेरीफाई करना है इनकम डॉक्यूमेंट, जैसे मान लीजिए इनकम टैक्स रिटर्न है, सैलरी स्लिप है, बैंक स्टेटमेंट है, इन सभी का वेरीफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों आपको क्रेडिट रिपोर्ट वेरीफिकेशन करना है सीआईसी से, हमारी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज होती हैं, हम लोग आगे बात करेंगे इसके बारे में, तो उसका जो क्रेडिट रिपोर्ट है उसे वेरीफाई करना है। मान लीजिए कि कोई सीआईसी है, इक्विफैक्स है, उसने कहा कि नहीं इस पार्टिकुलर कस्टमर का जो क्रेडिट रेटिंग है वो 750 है, तो क्या वो एक्चुअली है या नहीं है, तो दैट इज़ व्हाट यू हैव टू वेरीफाई। फिर आपको रेजिडेंशियल एड्रेस को इंश्योर करने के लिए हाउस विजिट करना है, ये सभी डिटेल है जो कि वेरीफाई करने होते हैं। टेलीफोनिक वेरीफिकेशन करना है इंडिविजुअल का, ऑफिस या बिजनेस फोन नंबर पे, जो ऑफिस का या बिजनेस का जो फोन नंबर है उस पर आप कॉल कीजिए और टेलीफोनिकली वेरीफाई कीजिए कि हाँ एक्चुअली में ये ऑफिस का नंबर है या नहीं है। आपको जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, अचल संपत्तियाँ हैं, ठीक है, उसके उसको वेरीफाई करना है, उसको इंस्पेक्ट करना है एज पर द सिक्योरिटी और कोलेट्रल। उसके बाद दोस्तों जो इन्वेस्टिगेशन है प्रॉपर्टी ऑफर्ड का एज सिक्योरिटी कोलेट्रल वैल्यूएशन ऑफ सच प्रॉपर्टी बाय बैंक अपॉइंटेड वैल्यूअर, तो बैंक की जो अपनी वैल्यूअर होती है वो वैल्यूएशन देगी किस चीज़ का, कि जो सिक्योरिटी है और जो कोलेट्रल है उसकी क्या एक्चुअल वैल्यू है। और जो सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट है उसको वेटिंग करवाना है किसके द्वारा? बैंक के लीगल एडवाइजर के द्वारा, बैंक के जो लीगल एडवाइजर है उनके द्वारा वेटिंग करवाना है सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट का। आपको हाउसिंग सोसाइटी के ऑफिस को विजिट करना है ताकि आप इंश्योर कर सके ऑनरशिप चार्ज या दूसरे फाइनेंसर का चार्ज क्या क्या है। सो दीज आर द पॉइंट दैट वी हैव टू कीप इन माइंड, द डिटेल हैज टू बी वेरीफाइड। अब जरा बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की। हमने आप देख लिया कि क्या क्या अप्रूवल प्रोसेस में, लोन अप्रूवल प्रोसेस में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ड्यू डिलीजेंस कैसे फॉलो करना है। अब बात करते हैं दोस्तों क्वांटम ऑफ लोन,
यानी कितनी लोन देनी चाहिए। तो दोस्तों क्वांटम ऑफ लोन वो रिलेटेड होता है प्रोडक्ट से, तो यानी वो इंडिविजुअल कौन सा प्रोडक्ट ले रहा है और उस इंडिविजुअल की इनकम क्या है। तो दोस्तों क्वांटम इज एक्सप्रेस एज 12 टाइम्स द मंथली इनकम इन केस ऑफ लोन फॉर पर्सनल एक्सपेंस। मान लीजिए कि कोई आदमी आया कि हाँ कोई कस्टमर आया कि मुझे पर्सनल लोन चाहिए, तो आप उसे कितना लोन देंगे। तो दोस्तों आप उसका सबसे पहले मंथली इनकम देखिए, मंथली इनकम मान लीजिए 50,000 है, तो उस 50,000 को आप 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी 6 लाख, तो मतलब उसको आप 6 लाख का पर्सनल लोन दे सकते हैं, राइट। यदि व्हीकल लोन लेने के आया मान लीजिए कोई आदमी आया बोला कि मुझे व्हीकल लोन चाहिए, तो आप उसका एनुअल इनकम देखिए, उसका एनुअल इनकम मान लीजिए कि 6 लाख है, ठीक है, तो उसको आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए यानी उसको 24 लाख का आप व्हीकल लोन दे सकते हैं। और मान लीजिए कि कोई आदमी आया हाउसिंग लोन के लिए, तो उसके मंथली इनकम का 48 to 60 times आप दे सकते हैं, ये नियम है। तो मान लीजिए कि किसी का जो मंथली इनकम है वो है 50,000, वो 50,000 है, तो उसको आप मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, 50,000 into 60 दैट इज 30 लाख। तो यदि 50,000 का एनुअल, ये 50,000 का मंथली इनकम है दोस्तों, तो उसको आप 30 लाख का हाउसिंग लोन दे सकते हैं, ठीक है। तो क्वांटम ऑफ लोन के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन डाला गया है। अब दोस्तों ये जो मल्टीपल्स है वो बैंक टू बैंक वैरी करता है, कोई ऐसा नहीं है कि सभी बैंकों के लिए फिक्स है, बैंक टू बैंक ये वैरी करता है। और जो मार्जिन है दोस्तों वो 15 से 30% के बीच में हो सकता है। मार्जिन कैन बी बिटवीन 15 to 30% ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट, यानी जो एसेट का वैल्यू है उसका 15 से 30% के बीच में मार्जिन हो सकता है। डिपेंड इस बात पर करता है कि किस प्रकार का लोन है, किस प्रकार का स्कीम है। और दोस्तों रेट्स को जो रेट ऑफ जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो लोन के अकॉर्डिंगली वैरी करता है, और रेट को परसेंटेज के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। तो आपने टेन्योर ऑफ लोन समझ लिया ना कि हमारे जो रिटेल प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम कस्टमर को ऑफर करते हैं उनके टेन्योर कितनी होनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों रिपेमेंट पीरियड की। तो जो रिपेमेंट पीरियड है वो भी 3 साल से लेकर 30 साल तक हो सकता है, डिपेंड करता है कि पर्पस क्या है। आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आपने पर्सनल लोन दिया, तो उसको 3 से 5 साल के अंदर आपको कस्टमर के द्वारा उसको रिपेमेंट कर देना है, ठीक है। मान लीजिए कि आपने ऑटो लोन दिया, तो ऑटो लोन दिया जाता है 5 से 7 साल के लिए। आपने मान लीजिए कि हाउसिंग लोन दिया, तो वो 5 से 30 साल के लिए दिया जाता है। तो सबका अपना रिपेमेंट पीरियड फिक्स है। तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखने के लिए कि जो लोन रिपेमेंट है उसके कारण लाइफ स्टाइल में कोई डिफिकल्टी नहीं आ जाए, तो बैंक क्या कैलकुलेट करती है, FOIR। FOIR क्या होता है, फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो। किसके लिए कैलकुलेट करती है, बोरोवर के लिए कैलकुलेट करती है। क्यों कैलकुलेट करती है, वैसे बोरोवर जो कि सैलरीड क्लास से आते हैं, ठीक है, उनके लिए FOIR को कैलकुलेट करती है कि उनके लाइफ स्टाइल में कोई फर्क, कोई चेंज नहीं हो, उसका डिफिकल्टी नहीं हो लाइफ स्टाइल में। तो ये इंश्योर करती है इस FOIR के द्वारा, फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो के द्वारा, कि जो मिनिमम टेक होम पे है वो मेंटेन्ड हो आफ्टर ऑल द डिडक्शन इंक्लूडिंग द लोन रिपेमेंट इज मेड। यानी दोस्तों मान लीजिए कि किसी का सैलरी आया 50,000, ठीक है, तो उसमें कुछ डिडक्शन हो गया, ये आपका ग्रॉस सैलरी है, उसमें मान लीजिए कि कुछ NPS कटा, उसके बाद मान लीजिए कि उसका कुछ होम लोन था तो होम लोन का जो EMI है वो कटा, उसके बाद उसका नेट आया दोस्तों, नेट पे आया, ठीक है, वो जो है मिनिमम अमाउंट मेंटेन करती है बैंक, ये इतना होना ही चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो उसका मिनिमम नेट पे इतना हो जाए कि वो अपना दिनचर्या डेली का जो खर्चा है वो नहीं कर पाए, जो उसकी लाइवलीहुड के लिए रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो। ऐसे कंडीशन को अवॉइड करने के लिए FOIR को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो इससे ये इंश्योर किया जाता है कि लोग जो है एक्सेसिव बोरोइंग नहीं कर ले, ठीक है, तो ये चीज पॉइंट है। अब दोस्तों बैंक क्या करती है, प्रोसेसिंग चार्ज होता है दोस्तों, बैंक का प्रोसेसिंग चार्ज होता है, डॉक्यूमेंटेशन चार्ज होता है, मॉर्गेज चार्ज होता है, स्टाम्प ड्यूटी फी होता है, और कोई इंसिडेंटल चार्जेज होते हैं, राइट। तो बैंक प्रोसेसिंग चार्ज लेती है, डॉक्यूमेंटेशन चार्ज लेती है, मॉर्गेज चार्ज लेती है, स्टाम्प ड्यूटी फी और कोई भी और अदर चार्ज लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये सभी चीज़ ट्रांसपेरेंट हो, राइट, स्कीम में ट्रांसपेरेंटली मेंशन होना चाहिए ये सभी चीज़ें। अब दोस्तों जब सैंक्शन हो जाता है लोन, अपॉन सैंक्शन अपॉन फाइनलाइजेशन, तो ये क्या होता है कि ये एप्लीकेशन को रिकमेंड किया जाता है सैंक्शनिंग अथॉरिटी के लिए ताकि आप सैंक्शन करें। तो जब सैंक्शन हो जाता है तो दूसरा फॉर्मेलिटीज है, जैसे मान लीजिए कि डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, फिर मान लीजिए कि क्रिएशन ऑफ चार्ज, चार्ज क्रिएशन, इंस्पेक्शन,
कॉम्प्लायंस ऑफ वेरियस टर्म्स एंड कंडीशन स्टिपुलेटेड बाय सैमसंग अथॉरिटी आर टू बी कंप्लीटेड, मतलब सैमसंग होने के बाद ये सभी चीज़ करना पड़ता है और फिर डिसबर्समेंट करना पड़ता है फिर सप्लायर को या मैन्युफैक्चरर को फिक्स एसेट के लिए, ठीक है। या मान लीजिए कि कोई एजुकेशन लोन है तो उस केस में आप इंस्टीट्यूशन को डिसबर्स करेंगे। तो आपको समझ में आ गया प्रोसेस क्या है रिपेमेंट पीरियड का। चलिए अब बात करते हैं कस्टमर के रिक्वायरमेंट की। तो दोस्तों कस्टमर जो है रिटेल बैंकिंग के लिए की एट्रीब्यूट है, बहुत सारे कस्टमर के अलग अलग नीड्स हैं फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। तो बैंक जो बनाती है अपनी प्रोडक्ट और सर्विस वो डिपेंड करती है कि कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर की जरूरत क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों कस्टमर सेगमेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट है रिटेल बैंकिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए। अब ये कैसे होता है सेगमेंटेशन, तो कस्टमर्स को सेगमेंट किया जाता है उनके इनकम लेवल पे, ठीक है, क्योंकि उनका जो नीड पिरामिड है वो वैरी करेगा। जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ेगा तो वैसे उसकी नीड बढ़ेगी, राइट। इनकम बढ़ेगा तो नीड बढ़ेगा, सिंपल सा लॉजिक है। तो सभी कस्टमर के लिए अलग अलग नीड होगी, क्योंकि किसी का इनकम ज़्यादा होगा तो उसकी नीड ज़्यादा होगी। इसीलिए कस्टमर सेगमेंटेशन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सेगमेंटेशन इस बेसिस पे किया जाता है कि उनकी इनकम लेवल कितनी है, ठीक है। आपको मैं एक चार्ट शो करता हूँ कि आपको मैं कस्टमर सेगमेंट को समझाता हूँ कि कौन कौन से कस्टमर सेगमेंट होते हैं और ये पिरामिड आपको क्लियर होगा ये चीज। तो बैंक क्या करती है अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप करती है, मार्केट करती है बेस्ड ऑन दिस सेगमेंटेशन। तो आप यदि सेगमेंट को देखें, यहाँ पे सेगमेंट को देखिए आप, तो जो पहला तीन सेगमेंट है ऐसा क्या क्या नाम है, मास मार्केट, मास एफ्लुएंट और सुपर एफ्लुएंट, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है बैंक के लिए, क्योंकि मास मार्केट में जो इनकम लेवल होता है वो 2 से 10 लाख का होता है, मास एफ्लुएंट में 10 से 50 लाख का होता है और सुपर एफ्लुएंट में 50 लाख से 400 लाख का यानी 4 करोड़ तक का होता है, ठीक है। तो ये पहला तीन जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है किसी बैंक के लिए कस्टमर सेगमेंट में से। क्यों? क्योंकि रिटेल बैंकिंग इनिशिएटिव के रिगार्डिंग, क्योंकि रिटेल बैंकिंग के इनिशिएटिव के रिगार्डिंग मास मार्केट, मास एफ्लुएंट और सुपर एफ्लुएंट दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट और सर्विस को स्ट्रक्चर किया जाएगा इन सभी रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए। अब दोस्तों उसके बाद आता है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, इनका जो इनकम होता है वो 4 करोड़ से लेकर 40 करोड़ तक होता है। जो सुपर हाई नेट इंडिविजुअल होते हैं इनका जो इनकम होता है दोस्तों वो कितना होता है, वो 400 करोड़ से लेकर आपका 40 करोड़ से लेकर आपका 120 मतलब 12 लाख करोड़ होता है। फिर एवब 1,20,000 करोड़ का अल्ट्रा हाई नेटवर्थ होता है और तो HNW होता है हाई नेटवर्थ, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये क्लासिफिकेशन याद करके जाना है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इसको ऐसे याद कर सकते हैं, यहाँ 2 लिख दीजिए, यहाँ 10 लिख दीजिए, यहाँ 50 लिख दीजिए, यहाँ 400 लिख दीजिए, यहाँ पे 4,000 लिख दीजिए और यहाँ पे 1,20,000 लिख दीजिए। 2 से 10 आपको क्या होता है मास, फिर मास मार्केट, मास एफ्लुएंट, सुपर एफ्लुएंट, HNW, सुपर HNW, अल्ट्रा HNW। सो दिस इज हाउ यू हैव टू रिमेंबर इट। चलिए तो दोस्तों जो फंडामेंटल एजम्पशन है कस्टमर के रिगार्डिंग कि वो रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट को कैसे बिल्ड कर रही है वो मैं आपको समझाता हूँ। पहला ये है कि कस्टमर अलग अलग होते हैं और उनकी एक्सपेक्टेशन अलग अलग होती है, राइट। उसके बाद दोस्तों कस्टमर की नीड अलग अलग है, सभी कस्टमर का अलग नीड होता है फाइनेंशियल सर्विस के लिए और रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर ऑफ फाइनेंशियल सर्विस रियली यूनिक। कस्टमर को ग्रुप कर सकते हैं नीड पैरामीटर के बेसिस पे, इनकम के बेसिस पे, एज के बेसिस पे, ज्योग्राफी के बेसिस पे, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, वोकेशनल, जेंडर एंड फैमिली एज के बेसिस पे। प्रोडक्ट और सर्विस को आप डेवलप कर सकते हैं सिंगल के लिए या कॉम्बिनेशन के लिए। और दोस्तों प्रोडक्ट और सर्विस को स्ट्रक्चर कर सकते हैं नाइके बेसिस पे। मास्लो थ्योरी आपको हेल्प करता है दोस्तों, ये जो एवब एजम्पशन है कस्टमर के बारे में, ठीक है, वो हेल्प करता है सुटेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए ताकि एक स्पेक्ट्रम ऑफ कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर सकें। डेट मीन्स जो मान लीजिए कोई मास सेगमेंट में है तो मास सेगमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है वो आपको पता चलेगी तो आप उस हिसाब से उसका प्रोडक्ट बना पाएंगे। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए दोस्तों हम लोग मास्लो हायरार्की ऑफ नीड को समझते हैं। तो ये थ्योरी हेल्प करता है आपको ये समझने के लिए कि कैसे बैंक अपने प्रोडक्ट को स्ट्रक्चर करती है वो अलग ताकि वो अलग अलग कस्टमर के जो पिरामिड है उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। तो दोस्तों कस्टमर क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट खरीदते हैं, सर्विस खरीदते हैं बैंक के ताकि अपने नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें और यदि उनका नीड मैच हो गया तो वहाँ पर साइंक्रोनी बैठ जाता है। और दोस्तों यदि बेनिफिट जो है जो प्रॉमिस किया जा रहा है बैंक के द्वारा वो डिलीवर किया गया तो पूरा सेटिस्फेक्शन मिलता है कस्टमर को, ठीक है। तो जो ये रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर है वो नीड हायरार्की थ्योरी से रिलेटेड है।
अब जरा हम लोग एक बार मास्लो थ्योरी को समझते हैं। तो दोस्तों अब्राहम मास्लो जो कि हमारे उन्होंने ये कहा था कि लोग मोटिवेट होते हैं किसी सर्टेन नीड्स को अचीव करने में। तो दोस्तों तो अर्लीस्ट और वाइड स्प्रेड वर्जन जो था मास्लो हायरार्की ऑफ नीड का, उसके अंदर 5 मोटिवेशनल नीड्स थे, ठीक है। इसीलिए इनकी मॉडल को 5-स्टेज मॉडल भी कहा जाता है। तो ये हायरार्कियल लेवल होता है दोस्तों किसी पिरामिड के अंतर्गत। अब मैं अभी आपको शो करता हूँ, ये आप देख सकते हैं उनका जो 5-स्टेज मॉडल था उसको आप डिवाइड कर सकते हैं साइकोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, सोशल नीड, स्टीम नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों ये पिरामिड बना हुआ है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड सबसे ऊपर है, एस्टीम नीड उसके बाद है, सोशल नीड उसके बाद है, फिर सेफ्टी नीड है, फिर साइकोलॉजिकल नीड है, ठीक है। तो ये हमारा हायरार्की है, इसे ही हम लोग पिरामिड कहते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है दोस्तों कि वन मस्ट सेटिस्फाई द लोअर लेवल बेसिक नीड, यानी सबसे पहले आपको जो लोअर लेवल बेसिक नीड्स हैं उसे सेटिस्फाई करना है, तब आप जाके हायर लेवल की नीड को मीट कर पाएंगे। इसीलिए मास्लो ने क्या किया है कि 5 नीड्स को इंडिविजुअल्स की 5 नीड्स को अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड किया है, डिफाइन किया है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे नीचे क्या है हमारा साइकोलॉजिकल नीड्स, उसके बाद क्या आता है दोस्तों सेफ्टी नीड्स। प्लीज आपको इसको याद करना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे सवाल हर एक साल पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स मास्लो ने जो ये डेरिवेशन दिया है, अब दोस्तों अब ये टेबल में आपको दिख रहा होगा कि कौन सी नीड लेवल है और उस हिसाब से बैंक कौन सी प्रोडक्ट देती है। अब जैसे मान लीजिए साइकोलॉजिकल नीड को फुलफिल करना है तो वहाँ पे क्या होगा, कोर सेविंग अकाउंट होगा, सेविंग अकाउंट देगी, पर्सनल एक्सीडेंट कवर देगी, हाउसिंग लोन देगी, राइट। कहते हैं ना घर कपड़ा और मकान, तो वो जो बेसिक नीड्स होता है दोस्तों वो साइकोलॉजिकल नीड्स होता है। फिर हमारा जो सेकंड नीड है वो है सिक्योरिटी नीड, सेफ्टी नीड, उसके लिए बैंक क्या करती है रिकरिंग FD प्रोडक्ट देती है ताकि एक तरह का इमरजेंसी फंड रख सके लोग, लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट देती है, ठीक है। उसके बाद कुछ एंडोमेंट प्रोडक्ट होता है जिसका लो प्रीमियम होता है, लॉन्ग टेनर होता है, टैक्स प्लानिंग होता है, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट होता है। सो ऑल ऑफ दिस कम्स अंडर सिक्योरिटी नीड। दोस्तों सवाल इस तरह पूछा जाएगा कि आप बताइए हाउसिंग लोन जो है वो कौन से नीड को सेटिस्फाई करता है, सवाल इस तरह से आता है। फिर दोस्तों उसके बाद सोशल नीड्स होता है जैसे कंज्यूमर लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये सभी दोस्तों फिर हो लोन फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर डॉक्टर, इंश्योरेंस कवर, टैक्स टू अवर लोन, रिटेल गोल्ड लोन, हेल्थ पॉलिसी फॉर सेल्फ एंड फैमिली, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट लाइक म्यूचुअल फंड स्कीम, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान फॉर ऑफ SIP जिसे बोलते हैं हम लोग, फिर यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट। सो ये सभी हमारे सोशल नीड्स में आते हैं, राइट। कंज्यूमर लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, दीज आर सोशल नीड, सोसाइटी के लिए जो नीड्स होती हैं। फिर बात आती है दोस्तों एस्टीम नीड्स के लिए, तो एस्टीम नीड्स के लिए स्पेशल टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट, टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट, सेकेंड हाउसिंग लोन। फिर बात आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स की, पेंशनर लोन, रिटायरमेंट सॉल्यूशन इन बैंकिंग, सीनियर सिटीजन टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट। तो ये सभी हमारे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं इस पार्टिकुलर वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम लोग पेड मेंबर के लिए रखेंगे जिसमें हम लोग आगे की चीज़ों को डिस्कशन करेंगे। एक बार क्विकली रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स को हमने इस वीडियो में देखा है। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले मैंने आपको समझाया कि कस्टमर सेगमेंटेशन एक स्ट्रेटजी होता है जो कि बैंक अप्लाई करती है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के लिए, इसकी सिमिलर नीड्स हैं। कस्टमर सेगमेंट के द्वारा क्या होता है दोस्तों, डिवाइड किया जाता है बहुत सारे सेगमेंट्स में। एक बार क्विकली रिकॉल कर लीजिए कौन कौन सा सेगमेंट है दोस्तों, प्लीज रिकॉल। मास एफ्लुएंट, मैं आपको शो करता हूँ, मास एफ्लुएंट, मास मार्केट, सुपर एफ्लुएंट, HNW, सुपर HNW, अल्ट्रा HNW। कस्टमर डिफरेंट होते हैं, उनके नीड्स भी डिफरेंट होती है, राइट। और कस्टमर को ग्रुप किया है, सेगमेंट किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर नीड्स। तो दोस्तों इन नीड्स में आपको बताया साइकोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, सोशल नीड, स्टीम नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो बैंक टारगेट करेगी, पोजीशन करेगी और सुटेबल प्रोडक्ट को ऑफर करेगी ताकि ये जो नीड ग्रिड है इफेक्टिव मार्केटिंग के लिए उसे दोस्तों मैच कर सके। तो दैट वाज ऑल अबाउट आवर टुडे लेसन, होपफुली यू एंजॉय द सेशन, सो कीप लाइकिंग द लेसन। धन्यवाद।